नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी अचानक से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं, कमलनाथ सरकार को बचाने के लिए नहीं, कमलनाथ सरकार के जाने की चिंता उनके चेहरे पर उतनी दिखाई नहीं दे रही है जितनी दिखाई देनी चाहिए थी हमें और आपको। उनकी तो सबसे बड़ी चिंता इस समय कोरोना वायरस है और उन्होंने मीडिया के जरिए देश को, मोदी सरकार को नया ज्ञान दिया है। मंगलवार को, सोमवार को पार्लियामेंट में वो बोल रहे थे, बोल क्या रहे थे, उन्होंने मोदी सरकार से ऐसे 50 डिफाल्टरों की सूची मांगी थी जिन्होंने बैंकों का पैसा चुकाया नहीं है, जिन्होंने 25 लाख से ज़्यादा का कर्ज ले रखा है उनकी सूची मांग रहे थे, 25,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज ले रखा है उनकी सूची मांग रहे थे। और बाहर निकले तो 50 के बजाय वो फिगर 500 डिफ़ाल्टरों की हो गई थी। इसको लेकर के भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने चुटकी ली राहुल गांधी की कि संसद के भीतर वो 50 डिफ़ाल्टर्स की सूची मांग रहे थे और संसद से बाहर आए तो वो संख्या 500 बताने लगे। यानी संसद के भीतर और संसद के बाहर आते आते ही वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि उन्होंने संसद में 500 डिफ़ाल्टरों की लिस्ट मांगी थी या 50 की मांगी थी। और बीजेपी ने इस पर थोड़ा सा चुटकी भी ली, सोशल मीडिया वालों ने भी चुटकी ली। अब ये डिफ़ाल्टरों की सूची संसद के भीतर मंत्री से या प्रधानमंत्री से क्यों मांग रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मंगलवार को उनका दूसरा बयान आया और जब जब देश पर कोई इस तरह का छोटा मोटा संकट आता है जिस तरह का आजकल दिखाई दे रहा है कोरोना वायरस को लेकर के, जिसको कोविड-19 भी बोलते हैं, तब तब अचानक से राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के चेहरों की चमक जैसे ज़्यादा हो जाती है। उनको राजनीति करने का, मोदी सरकार पर हमला करने का एक मौका दिखाई देने लगता है, एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं वो जब भी कुछ इस तरह का होता है देश पर या इकोनॉमी पर या राजनीतिक रूप से, या दिल्ली का ही आप दंगा ले लीजिए। उस समय भी आपने देखा होगा कि अचानक से सोनिया गांधी और उनके जो सलाहकार हैं वो कितने सक्रिय हो गए थे, दिल्ली के दंगों को लेकर के इतना ज़्यादा चिंतित हो गए कि वो सीधे जो है विपक्षी दलों के नेताओं के साथ, गुलाम नबी आज़ाद, खरगे और दूसरे तमाम, अहमद पटेल, ये सब इनको लेकर के वो राष्ट्रपति भवन पहुँच गई थी। और तब उन्होंने मांग कर डाली थी कि चूंकि दिल्ली दंगे पर अमित शाह काबू नहीं पा पाए हैं इसलिए उनको बर्खास्त कर दिया जाए। अब बाद में जब पार्लियामेंट के दोनों सदनों में चर्चा हुई और उसका जवाब दिया तो अमित शाह ने ये बताकर कांग्रेस सोनिया गांधी और इनकी सबकी हवा की मुहिम की हवा निकाल दी कि केवल 36 घंटे में दिल्ली पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने दंगे को काबू कर लिया था। 24 फरवरी को दोपहर में 2 बजे पहली घटना हुई थी और 25 फरवरी की रात को 11 बजे आखिरी घटना हुई थी। यानी 36 घंटे में ही दिल्ली दंगे को काबू में कर लिया गया था। और वो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति भवन के या दूसरे कार्यक्रमों में शरीक नहीं हुए, देश के एक जिम्मेदार गृह मंत्री के तौर पर वो लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और तमाम जो संबंधित एजेंसियां हैं उनसे मीटिंग्स कर रहे थे। और एक मीटिंग में तो कांग्रेस के भी नेता मौजूद थे जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी और दूसरे लोग, दिल्ली के डीसीपी वगैरह थे। बहरहाल अमित शाह के ख़िलाफ़ उन्होंने जो मुहिम शुरू की दिल्ली दंगों को लेकर के वो तो नाकाम हो गई
और अमित शाह ने बल्कि उल्टे इनको ही कटघरे में खड़ा कर दिया ये कह करके कि 14 दिसंबर को रामलीला मैदान की रैली में अगर सोनिया गांधी आर पार की लड़ाई की बात नहीं कहती, अगर प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी सड़कों पर उतरने का आह्वान नहीं करते तो इन दंगों की नींव ही नहीं पड़ती। ये अगर मंच से ये कहते कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाती है तो लोग भड़कते ही नहीं, लोग उकसावे में ही नहीं आते और ये नौबत ही नहीं आती। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के बयान की। मंगलवार को उन्होंने मीडिया के जरिए देश को ये ज्ञान दिया कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। राहुल गांधी का कहना था कि ये जो कोरोना वायरस है इसकी वजह से और कुछ दूसरे कारणों की वजह से, जिनका नाम तो उन्होंने नहीं लिया, पर कह रहे थे कि मैं शुरू से इस सरकार को चेतावनी देता आ रहा हूँ, चेताता आ रहा हूँ, सतर्क कर रहा हूँ कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, अर्थव्यवस्था ख़राब होने वाली है, लेकिन ये सरकार कोई तैयारी नहीं कर रही है। तो राहुल गांधी अचानक से किसी ज्ञान को प्राप्त हुए हैं कि जो ये कोरोना वायरस इस समय पैर पसार रहा है इसकी वजह से आर्थिक सुनामी आने वाली है। और शायद ये ज्ञान उन्होंने एक ही दिन पहले जो अपने रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं दास साहब, उनसे उन्होंने हासिल किया है। उन्होंने कहा था कि जो ये कोरोना वायरस है इसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था है उस पर असर पड़ेगा। और ये रिजर्व बैंक के गवर्नर की तरफ से बयान बनता है क्योंकि कोरोना वायरस मोदी सरकार ने राजपथ पर या जनपथ पर या विजय चौक पर नहीं छोड़ा है किसी डब्बे में से निकाल करके। इस बात की तो समझ राहुल गांधी को होगी ही कि कोरोना वायरस का की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ओरिजिन कहाँ का है। ये चाइना के वुहान शहर से चला है और इसमें अब तो 150-160 देश चपेटे में आ गए हैं। अमेरिका जैसी महाशक्ति भी अपने उसके आगोश में है, ब्रिटेन, यूरोप के सारे देश हैं, खाड़ी देशों में भी ये चला गया है, एशियन देश तो हैं ही, और जापान से लेकर के तमाम जितने भी हमारे पूर्व के देश हैं उनमें भी कोरोना वायरस का असर दिखाई दे रहा है। और शायद राहुल गांधी को इस बात की भी जानकारी होगी कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए कम से कम जो सार्क देश हैं इनको एकजुट करने का, एक दूसरे से सहयोग करने का, एहतियाती कदम उठाने का, जो भी हो सकता है उतना आपस में समन्वय करने का, ताकि इसके प्रहार से, इसकी तीव्रता से बचा जा सके। इसका कोऑर्डिनेशन भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया है, लेकिन शायद राहुल गांधी को इसकी जानकारी नहीं है। तो उनको तो रिजर्व बैंक के गवर्नर का एक बयान दिखाई दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा, और अगले दिन उन्होंने जैसे ही मीडिया सामने दिखाई दिया तो बयान ठोक दिया कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। आर्थिक सुनामी आने वाली है या किसी भी तरह की सुनामी आने वाली है तो राहुल गांधी अचानक बयान देने पर आमादा हो जाते हैं, क्योंकि उसमें उन्हें संभावना दिखाई देती है कि नरेंद्र मोदी पर किस तरीके से अटैक किया जाए, उनकी सरकार पर किस तरह अटैक किया जाए। कुछ भी अनहोनी हो, कुछ भी अशुभ हो तो उनको एक अवसर दिखाई देने लगता है। अब इनके पार्लियामेंट वाले बयान पर लौटते हैं जिसमें ये इस देश के 50 बड़े डिफाल्टर उद्योगपतियों की सूची मांग रहे थे सरकार से, और सरकार ने कहा कि भाई वो तो रिजर्व बैंक की और ईडी की, इनकी सबकी वेबसाइट पर है, आप वहाँ जाकर के उनके नाम देख सकते हैं। तो राहुल गांधी को बड़ी निराशा हुई, उन्होंने कहा कि सरकार जवाब देने से बचना चाहती है और मैं जो जानकारी मांग रहा हूँ उस जानकारी का सीधे सीधे जवाब सरकार ने नहीं दिया।
तो ये 50 बड़े डिफॉल्टर्स की सूची संसद के भीतर क्यों मांग रहे थे, जबकि रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जो एजेंसियां हैं उनकी वेबसाइट पर वो उपलब्ध है, तो वहां जाकर के वो देख सकते हैं, लेकिन उनको वो सूची चाहिए पार्लियामेंट के भीतर। और वो किस लिए चाहिए? वो इसलिए चाहिए कि वो इस देश में एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना चाहते हैं, और इस देश में नहीं पूरे विश्व में, विश्व भर के पूंजी निवेशकों, बड़े उद्योगपतियों, जो कॉरपोरेट मल्टीनेशनल्स चलाने वाले हैं, उनमें एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि भारत इतना गैर जिम्मेदार देश है, भारत सरकार इतनी अपरिपक्व है कि वो अपने यहाँ के डिफॉल्टर उद्योगपतियों के नाम सरेआम संसद के भीतर उछालती है, ताकि उनके बारे में पूरे देश को भी जानकारी हो जाए और पूरी दुनिया को भी जानकारी हो जाए कि हिंदुस्तान में निवेश करने वाले जो उद्योगपति हैं वो अगर बैंकों का नहीं लौटा पा रहे हैं तो वो ऐसे हैं कि उनके नाम चौराहों पर लगाए जा सकते हैं और उनको बदनाम किया जा सकता है और पार्लियामेंट में भी उनके नामों का उच्चारण किया जा सकता है। और अगर ये 50 या पार्लियामेंट के बाहर निकल करके जो 500 की संख्या उन्होंने बताई वो सरकार उनको उपलब्ध करा देती है तो फिर वो मीडिया के कैमरों पर आकर के उनके नाम पढ़ सकें कि ये लोग हैं जो बैंकों का इतना हजार करोड़ या इतना लाख करोड़ लेकर के गायब हैं या बैंकों का वापस लौटा नहीं रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद दो चंदे आगे है, दो कदम आगे है। उसने कहा कि राहुल गांधी की हम नीयत को समझते हैं, पहचानते हैं, वो क्या चाह रहे हैं ये भी जानते हैं, और जो पाप इनकी कांग्रेस सरकार के समय हुए हैं, यानी जो कंपनियां, जो उद्योगपति जिनके कारोबार डिफॉल्टर हो गए थे, जो बैंकों का पुराना कर्जा भी चुकाने की स्थिति में नहीं थे, उनको एक फ़ोन कॉल पर किस तरीके से बैंकों से फिर से मोटा ऋण मिला है, और उस मोटा ऋण मिलने की एवज में जो किक मनी, जो किकबैक, जो मनी रिश्वत के रूप में दी गई है, वो किस तरह के खेल उससे हुए हैं ये भी हम जानते हैं। और जिन बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है, जो जिनके कर्ज वापस नहीं आए हैं, उसकी जो राशि बढ़ रही है वो किस समय की है ये भी अब देश समझ चुका है और जान चुका है। और मोदी सरकार ने ही आकर चूंकि बैंकों पर शिकंजा कसा है, ईडी को सक्रिय किया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सक्रिय किया है, जो सीबीआई है उसको इन फ्रॉड लोगों के पीछे, बैंकों के अधिकारियों के पीछे, उनके अगर निजी बैंक हैं तो उनके जो ओनर हैं, को ओनर हैं, फाउंडर हैं, उनके पीछे लगाया है। इस वजह से अब ये हालात पैदा हो रहे हैं कि जो उद्योगपति बैंकों का लिए बैठे थे, दबाए बैठे थे, अब डर के मारे वो भी चुकाना शुरू कर चुके हैं। और फिगर बताती हैं कि 2-3 लाख करोड़ रुपया वापस बैंकों के पास आ चुका है। लेकिन राहुल गांधी का दिमाग बड़ा तेज है, कभी उनको सपने आते हैं कि कोरोना की वजह से आर्थिक सुनामी आने वाली है, कभी वो डिफॉल्टर उद्योगपतियों के नाम पते पूछते हैं। कुल मिलाकर के वो देश विदेश के जो पूंजी निवेशक हैं उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अगर भारत में निवेश करना चाहते हैं तो ज़रा सोचिए ठंडे दिमाग से, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जिनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है, डिफॉल्टर, और यहाँ कोरोना की वजह से आर्थिक सुनामी भी आने वाली है।
यानी माहौल कुल मिलाकर के पिछले दो दिन में राहुल गांधी ने ये बनाने की कोशिश की है कि जैसे भारत में अर्थव्यवस्था चौपट होने वाली है, भारत में, दुनिया के बाकी देशों में नहीं, दुनिया भर के जो 160 से ज़्यादा देश इस समय कोरोना के चपेट में हैं, जिसकी वजह से 7000 से ज़्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं, भारत में भी आज तीसरी मौत मुंबई में हुई है और एक दिल्ली में हुई थी और एक कर्नाटक में हुई थी, तो भारत में भी शोर मचा दो के हालात बहुत बुरे हैं, बहुत ख़राब हालात होने वाले हैं, इसलिए यहाँ पूंजी निवेश मत करिए। कुल मिलाकर के राहुल गांधी का जो मंतव्य है मीडिया में आकर के शोर मचाने का और इस तरह की घबराहट पैदा करने का, वो कम से कम मुझे तो ये दिखाई देता है। आपको क्या समझ में आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।